अकाउंट FA1 कैपलान एग्जाम के कंट्रोल अकाउंट बैंक रिकंसिलिएशन और इनिशियल ट्रायल बैलेंस। अब इसमें से हम एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 213। अच्छा, ये एग्जाम की मेरी पुरानी है, आपके बाद न्यू एडिशन होगा तो उसमें नंबर चेंज होंगे, क्वेश्चन नंबर चेंज होंगे, ठीक है। अच्छा, 213। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स वुड बी फाउंड बाय एक्सट्रैक्टिंग अ ट्रायल बैलेंस। अ ट्रांजेक्शन हैज बीन कंप्लीटली मिस्ड इन द अकाउंट्स, नॉट अफेक्टिंग होगा, ये एरर ऑफ ऑमिशन है। डबल एंट्री हैज बीन मेड द रॉन्ग वे अराउंड, ये कंप्लीट रिवर्सल, नॉट अफेक्टिंग। डिफरेंट फिगर्स हैव बीन एंटर्ड ऑन फॉर द डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री, ये अफेक्टिंग होता है, ठीक है। तो सी आंसर हुआ। अच्छा, डी, एन एक्सपेंस आइटम हैज बीन पोस्टेड टू अ नॉन करेंट एसेट अकाउंट, तो ये आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा, एक्सपेंस को आपने एसेट रिकॉर्ड किया ना, तो करेक्ट आंसर सी। ओके, 217। अर्लिन हैज पोस्टेड एन इनवॉइस फॉर इक्विपमेंट रिपेयर्स ऑफ 242 बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट। अच्छा, इक्विपमेंट रिपेयर करवाई और बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, तो ये एरर कौन सा हुआ? प्रिंसिपल नहीं, ये ओमिशन एरर ऑफ कमीशन। कमीशन, ठीक है। अब करेक्शन क्या होगी इसकी? इक्विपमेंट रिपेयर्स को हमने बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट में रिकॉर्ड किया, तो बिल्डिंग रिपेयर्स को क्रेडिट कर देंगे और इक्विपमेंट रिपेयर्स को डेबिट कर देंगे, ठीक। तो इक्विपमेंट रिपेयर्स डेबिट, बिल्डिंग रिपेयर्स क्रेडिट। अच्छा, ए और डी देखें, ए और डी दोनों में एंट्री सेम है, ठीक है। लेकिन यह क्या है, नरेशन देखें इसकी। अब ए के नरेशन में क्या है, बीइंग करेक्शन ऑफ एन एरर ऑफ ऑमिशन, ऑमिशन तो नहीं है। डी में बीइंग करेक्शन ऑफ एन एरर ऑफ कमीशन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐसा ना, डी, एरर ऑफ कमीशन। ये बताएं, 218 इसका आंसर बता दें। अच्छा, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं वैसे ना। इसमें है स्टेशनरी अकाउंट इनवॉइस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को हमने स्टेशनरी अकाउंट पे रिकॉर्ड कर, सर तो एडवर्टाइजिंग डेबिट हो जाएगा और स्टेशनरी क्रेडिट। करेक्ट आंसर बी होगा, ठीक है, एरर ऑफ कमीशन है। 219, 219। इसमें द ट्रायल बैलेंस ऑफ कंपनी डिड नॉट एग्री एंड अ सस्पेंस अकाउंट वाज ओपेंड फॉर द डिफरेंस, चेकिंग द बुक कीपिंग सिस्टम रिवील्ड द नंबर ऑफ एरर्स। अच्छा, टोटल 5 एरर्स हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, विच ऑफ द एरर अबव वुड रिक्वायर एन एंट्री टू द सस्पेंस अकाउंट एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ करेक्टिंग देम, यानी कि एरर अफेक्टिंग बताने इसमें ना। एरर ए, 4,600 पेड फॉर मोटर वैन रिपेयर्स वॉज करेक्टली ट्रीटेड इन द कैश बुक बट वॉज क्रेडिटेड टू मोटर व्हीकल एसेट अकाउंट। कमीशन मोटर वैन हमने रिपेयर करवाई, कैश बुक में तो सही एंट्री बनी है, लेकिन इसको हमने मोटर व्हीकल एसेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। इसकी बताएं ओरिजिनल एंट्री क्या बनेगी, चलिए ये मैं करवाता हूँ प्रॉपर लिख के आपको। 219, 219 का 1, ये मोटर वैन रिपेयर है ना, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट होगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा, ठीक। ये इसकी ओरिजिनल एंट्री। अच्छा, अमाउंट डीपी दिया हुआ है 4,600, 4,600। अब रॉन्ग एंट्री क्या बनाई इसने, वॉज करेक्टली ट्रीटेड इन द कैश बुक, कैश को क्रेडिट करना था
क्रेडिट ही किया उसने, ठीक है, बट वॉज क्रेडिटेड टू मोटर व्हीकल एसेट अकाउंट, और फिर मोटर व्हीकल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। डेबिट कुछ भी नहीं हुआ, ये रॉन्ग एंट्री बनी ना, कैश क्रेडिट मोटर व्हीकल क्रेडिट, डेबिट कुछ नहीं। करेक्शन क्या, अब ये अफेक्टिंग है नॉट अफेक्टिंग हुआ, अफेक्टिंग हो गया, ठीक है। अच्छा अपनी प्रैक्टिस के लिए हम इसकी करेक्शन भी कर लेते हैं, करेक्शन क्या होगी अब, डेबिट नहीं देखिए मोटर व्हीकल को हमने क्रेडिट किया है, पहले इसको करते हैं डेबिट, मोटर व्हीकल डेबिट करके इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है। और अब डेबिट करना क्या था, रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करना था, इसे डेबिट करते हैं, और क्रेडिट में आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट डबल से कितना 9,200, ये इसकी करेक्शन हो जाएगी। मोटर व्हीकल डेबिट, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, क्लियर, ओके। ये तो हो गया एरर वन। अच्छा एरर टू, 360 रिसीव फ्रॉम ब्राउन, अ कस्टमर वॉज क्रेडिटेड इन एरर टू द अकाउंट ऑफ ग्रीन, ब्राउन से रिसीव किए, ग्रीन के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, तो नाम चेंज हो रहे, ठीक है, नॉट अफेक्टिंग, और नॉट अफेक्टिंग में कौन सा, एरर ऑफ कमीशन, कमीशन सिर्फ टाइटल चेंज हो रहा है, नेचर सेम है ना, नेचर चेंज होती है तो प्रिंसिपल हो, यहां सिर्फ टाइटल चेंज हुआ है तो एरर ऑफ कमीशन। थ्री, 9,500 पेड फॉर रेंट वॉज डेबिटेड टू द रेंट अकाउंट एज 5,900। अच्छा इसकी ये अफेक्टिंग होगा नॉट अफेक्टिंग, नॉट अफेक्टिंग हो सर, अफेक्टिंग है इसकी, देखिए ओरिजिनल एंट्री बनाते हैं इसको, फिर सॉल्व कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। ओरिजिनल एंट्री होगी रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 9,600, 9,600, ठीक। रॉन्ग एंट्री क्या बनी, वॉज डेबिटेड टू रेंट अकाउंट एज 59, रेंट अकाउंट में 59 से डेबिट किया, वो एक्चुअल अमाउंट 95 है ना, तो मैंने 96 लिख दिया, ठीक है। उसने क्या किया, रेंट अकाउंट को डेबिट किया 5,900 से, और कैश को क्रेडिट किया 9,500 से, ठीक है, क्योंकि इसलिए क्या क्लियर यहाँ लिखा है, वॉज डेबिटेड टू रेंट अकाउंट एज 59, ठीक है, तो रेंट अकाउंट में रॉन्ग अमाउंट से डेबिट किया। अब क्यों एरर क्या हुआ, देखिए रेंट एक्सपेंस को डेबिट करना था 95 से, और इसने डेबिट कितने से किया, 59 से। तो हम रेंट अकाउंट को मजीद डेबिट करेंगे, डिफरेंस निकालते हैं, डेबिट ज्यादा अमाउंट से डेबिट करना था, 95 से डेबिट करना था, 59 से डेबिट किया, तो मजीद डेबिट करेंगे ना, तो डेबिट होगा 3,600 से, और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 3,600, ठीक, ये इसकी करेक्शन हो जाएगी, रेंट एक्सपेंस डेबिट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। अच्छा ये थर्ड आपका अफेक्टिंग हो गया, अब फोर्थ है, एन इरिकवरेबल डेट्स ऑफ 250 had been debited in error to the purchases account. अच्छा, irrecoverable debts debit होते हैं, credit होते हैं, debit होते हैं, expense है ना, और इससे हमने debit कहाँ किया, purchases account में, not affecting हो गया, debit करना था, debit ही किया, account change हो गया ना, ठीक है, title change हो रहा है, तो ये हो जाएगा error of commission, not affecting. फिफ्थ, नो एंट्रीज हैड बीन मेड टू रिकॉर्ड अ कैश सेल्स ऑफ 100, कंप्लीट ऑमिशन, नॉट अफेक्टिंग, तो आंसर हुआ वन एंड थ्री, ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्लियर। ओके 221,
ट्रायल बैलेंस टोटल ऑफ गामा एट 30 सितंबर वर, ये डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल है। अच्छा, विच टू ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल एरर कोड व्हेन करेक्टेड रिजल्ट विद द ट्रायल बैलेंस टू एग्री। टोटल फोर एरर्स हैं, इनमें से दो बताने हैं हमें, और दो कौन से, अफेक्टिंग नॉट अफेक्टिंग, अफेक्टिंग बताने होंगे। ठीक है। चलिए, एरर वन, अ पेमेंट ऑफ रेंट 6160 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द रेंट पेबल अकाउंट और द कैश बुक। कौन सा एरर हुआ? हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द रेंट पेबल अकाउंट और द कैश बुक। ना रेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया, ना कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ, तो ये हो गया कंप्लीट ओमिशन, ठीक है, नॉट अफेक्टिंग। सेकेंड, द बैलेंस ऑन मोटर एक्सपेंस अकाउंट 27,680 has incorrectly been listed in the trial balance as a credit. Motor expense debit balance होता है, credit balance होता है? Motor expense debit balance होगा, ठीक है। और इसने क्या किया, इसको trial balance में credit side पे लिख दिया, list down कर दिया। debit करना था, credit किया, तो इससे आपकी credit side ज्यादा हो जाएगी, debit side कम, तो ये होगा affecting। अच्छा, three, 6160 proceeds from the sale of a motor vehicle. So motor vehicle sale करने में आपको cash मिला 6160, have been posted to the debit of the cash book and the credit of motor vehicle asset account. क्या लिखते हैं? Debit of cash book, cash debit हुआ, motor vehicle credit. Cash credit होना था, सेल कर रहे हैं ना, मोटर व्हीकल सेल कर रहे हैं, तो एंट्री होगी कैश डेबिट, मोटर व्हीकल क्रेडिट। और उसने क्या किया, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, क्रेडिट साइड ऑफ मोटर व्हीकल, तो सही रिकॉर्ड किया है, एरर ही नहीं है, ठीक है, एरर ही नहीं है ये। फोर्थ है, द बैलेंस ऑफ 21,520 ऑन रेंट रिसीवेबल अकाउंट हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। बैलेंस ऑन रेंट रिसीवेबल अकाउंट है, ये अकाउंट की बात हो रही है, रेंट रिसीवेबल अकाउंट का बैलेंस ट्रायल बैलेंस पे लिखना भूल गए, तो ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं होगा, अफेक्टिंग हो गया ना, ठीक। अच्छा, देखिए ओमिशन याद रखिएगा, दो तरह के होता है ओमिशन, एक तो आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए, वो नॉट अफेक्टिंग होता है, जैसे वन था ना, had not been entered in rent payable account or the cash book. ये था complete omission, transaction record करना भूल गए, तो ये not affecting है. Fourth में कह रहे हैं कि आपने T account बनाया, T account को balance किया, उसका balance trial balance में लिखना भूल गए, trial balance equal आएगा? नहीं आएगा कभी, ठीक। जैसे आप क्या सपोज करें, 20 accounts हैं, 20 से आपने 19 account के balance trial balance में लिखे, कॉपी किए, आखिर वाले का नहीं लिखा, तो trial balance equal होगा? नहीं होगा। 20 अकाउंट्स है, 19 का बैलेंस लिख दिया, 20 का नहीं लिखा, तो ट्रायल बैलेंस आपका बैलेंस नहीं होगा ना, तो यहाँ यही बात कर रहे हैं कि रेंट रिसीवेबल का बैलेंस ट्रायल बैलेंस से ऑमिट हुआ है, तो ये अफेक्टिंग, ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं, ठीक। तो आंसर हो गया आपका 2 and 4, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अच्छा, काम करते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, अब इन दोनों एरर की करेक्शन करते हैं, और हमें इसने यहाँ ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट का टोटल भी दिया हुआ है, तो एक सस्पेंस अकाउंट बनाकर भी देख लेते हैं कि वो इक्वल होता है या नहीं होता, तो प्रैक्टिस हो जाएगी ना। अच्छा, तो एरर टू, बैलेंस ऑन मोटर एक्सपेंस अकाउंट हैज इनकरेक्टली बीन लिस्टेड इन द ट्रायल बैलेंस एज अ क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट किया, तो करेक्शन क्या होगी? लेकिन मोटर एक्सपेंस डेबिट होता है ना, हमने ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट किया, तो डबल से डेबिट करेंगे, तो मोटर एक्सपेंस डबल से डेबिट और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, इसको डबल करें, 360 ये का मोटर एक्सपेंस डेबिट कितना, 55,360 और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 55,360, ठीक है। नंबर फोर,
अच्छा फोर्थ में देखें। अच्छा एक मिस्टेक है, पहले बता दूं यहाँ पे क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, रेंट रिसीवेबल नहीं है, रेंट पेबल है। ठीक है, इसको पेबल रखते हुए सॉल्व करेंगे, रिसीवेबल से सॉल्व करेंगे तो हमारा ट्रायल बैलेंस सस्पेंस अकाउंट इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, इसको पेबल रखते हैं। अच्छा बैलेंस ऑन रेंट पेबल अकाउंट हैज बीन ऑमिटेड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड कर लेंगे, तो रेंट पेबल हो जाएगा क्रेडिट और सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये इसकी करेक्शन होगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट और रेंट पेएबल क्रेडिट 21,520। अच्छा ये करेक्शन हो गई। अब एक टी अकाउंट बनाते हैं, सस्पेंस का टी अकाउंट, बैलेंस कॉपी करते हैं, एंट्रीज पोस्ट करके इसको देखते हैं इक्वल होता है या नहीं होता ना। सस्पेंस अकाउंट बना लें। ठीक है, पहले तो इनका डिफरेंस निकाल लें, डेबिट क्रेडिट का, ट्रायल बैलेंस के डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस। थर्टी 3,840 और किस साइड पर आएगा, बैलेंस किस साइड पे आएगा, डेबिट पे ही, डेबिट साइड का टोटल कम है, सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा डेबिट साइड पे, यहाँ लिखते हैं बैलेंस 33,840। ठीक, अभी एंट्रीज पोस्ट करते हैं, फर्स्ट एंट्री में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और सेकंड एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, टोटल करते हैं दोनों साइड का। नहीं 55,360 दोनों साइड का टोटल, सेम आ रहा है, सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो गया, तो इट मीन्स हमने करेक्शंस बिल्कुल सही की है। ठीक है, तो एरर की वजह से सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ, करेक्शन के बाद सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो गया। क्वेश्चन नंबर 222। सेकंड 222। अच्छा इसमें पहले रिक्वायरमेंट देख लें, व्हिच ऑफ द अबव एरर्स वुड रिक्वायर एन एंट्री टू सस्पेंस अकाउंट एज पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग देम। ठीक है, इसमें भी आपको एरर्स अफेक्टिंग बताना। ठीक है, एरर्स अफेक्टिंग। अच्छा एरर ए, अ कैश रिफंड ड्यू टू कस्टमर ए was correctly treated in the cash book and then credited to receivable ledger account of customer B। अच्छा रिफंड ए को किया है, रिकॉर्ड बी के अकाउंट में किया, क्रेडिट किया है। अच्छा रिफंड की एंट्री क्या होती है, कैश रिफंड की एंट्री बताए। ये हमने कंट्रोल अकाउंट में बनाई थी ना, कि अगर कस्टमर ओवर पेमेंट करता है तो हम उसे कैश रिफंड करते हैं, कैश रिफंड करते हैं, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाता। तो यहाँ पे कौन है अकाउंट रिसीवेबल, ए कस्टमर है ना, अमाउंट नहीं दिए हुए क्रॉस डाल देते। ये तो गए इसके ओरिजिनल एंट्री, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा एरर क्या हुआ, वॉज करेक्टली ट्रीटेड इन द कैश, कैश को तो क्रेडिट किया और एंड देन क्रेडिटेड टू रिसीवेबल लेजर अकाउंट ऑफ कस्टमर बी, कस्टमर बी को क्रेडिट कर दिया, कस्टमर ए को डेबिट करने के बजाय कस्टमर बी को क्रेडिट कर दिया। डेबिट में क्या रिकॉर्ड हुआ, कुछ भी नहीं, डेबिट में कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, अफेक्टिंग नॉट अफेक्टिंग, अफेक्टिंग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा करेक्शन करें तो अब क्या होगी, पहले तो हम ये जो हमने रिसीवेबल बी को क्रेडिट किया इसको डेबिट करके कैंसिल करते हैं, पर डेबिट करना क्या था, रिसीवेबल ए डेबिट हो जाएगा और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा डबल से ना, यहाँ टू मल्टीप्लायर एक्स। ठीक है, ओके, तो एरर ए हो गया अफेक्टिंग और ये इसकी करेक्शन भी होगी। ओके एरर बी,
Withdrawal of goods by Smith for own use of 300 was recorded by debiting sales revenue and crediting purchases account. अच्छा अब ये विड्रॉल ऑफ गुड्स बाय स्मिथ ड्रॉइंग्स है ठीक, ड्रॉइंग्स की एंट्री होती है, ड्रॉइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट, इसने की एंट्री बनाई सेल्स डेबिट परचेज क्रेडिट। अच्छा अब ये डबल एंट्री तो कंप्लीट हो रही है ना, सेल्स डेबिट परचेज क्रेडिट, तो ये है नॉट अफेक्टिंग, एरर है लेकिन नॉट अफेक्टिंग। अच्छा प्रैक्टिस के लिए हम इसकी करेक्शन कर लेते हैं, ऑरिजिनल एंट्री होगी इसकी ड्रॉइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट ठीक है 300 से डेबिट होता है, लॉन्ग एंट्री क्या बना, इसने डेबिटिंग सेल्स रेवेन्यू, सेल्स को डेबिट किया एंड क्रेडिटिंग परचेजेस, परचेजेस अकाउंट क्रेडिट हो गया ठीक है। इसके रॉन्ग एंट्री हो गए सेल्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट, करेक्शन क्या होगी, सेल्स अकाउंट को हमने गलती से डेबिट किया है, क्रेडिट करके कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के लिए क्रेडिट, और डेबिट क्या करना था ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ये इसकी करेक्शन हो जाएगी। ड्रॉइंग्स डेबिट सेल्स क्रेडिट क्लियर। अच्छा ये नॉट अफेक्टिंग है। थर्ड एक टोटल ऑफ कॉन्ट्रा बिटवीन पेबल एंड रिसीवेबल, कंट्रोल अकाउंट में हमने एंट्री बनाई थी कॉन्ट्रा सेट ऑफ सेटलमेंट की, एंट्री इसकी होती है अकाउंट्स पेबल डेबिट अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट होता है। अच्छा बोले कहते हैं टोटल ऑफ कॉन्ट्रा बिटवीन पेबल एंड रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट हैड बीन क्रेडिटेड इन एरर टू सेल्स अकाउंट। अच्छा इसमें थोड़ा सा अब इसमें क्या करेगा, रिसीवेबल लेजर को आपने क्रेडिट करने के बजाय सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर, अच्छा इसकी कॉन्ट्रा पेबल की एंट्री होती है ओरिजिनल एंट्री, अकाउंट्स पेबल डेबिट अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट, अमाउंट नहीं दिया हुआ क्रॉस डाल देते हैं राइट। अब इसने रॉन्ग एंट्री बनाई अकाउंट्स पेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ठीक है रिसीवेबल को क्रेडिट करने के बजाय सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर, नॉट अफेक्टिंग हो गया, करेक्शन क्या होगी, सेल्स अकाउंट को डेबिट करते हैं और रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करना था इसको क्रेडिट कर देते ठीक है, ये इसकी करेक्शन हो जाएगी, सेल्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो गया ठीक है, नॉट अफेक्टिंग। एरर फोर, सम ऑफ द कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर हैड बीन यूज्ड टू पे सैलरी एक्सपेंस बिफोर बैंकिंग द रिमेनिंग रिसिप्ट, ये कौन सा एरर हुआ, नॉट अफेक्टिंग, क्या कह रहे हैं आपने कस्टमर से कैश रिसीव किया है कुछ एक्सपेंसेस पे किए और जो बाकी अमाउंट था बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, बैंक में डिपॉजिट करवाने से पहले आपने खर्चा कर दिया, तो ये कौन क्या एरर हुआ, कोई एरर नहीं है तो फिर एक इंफॉर्मेशन है ठीक है, ये एरर ही नहीं है कि आपको कस्टमर से कैश रिसीव हुआ आपने कुछ एक्सपेंस पे किए और जो रिमेनिंग अमाउंट था बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, इसमें क्या एरर हुआ, कोई एरर नहीं है ठीक है, ये सिर्फ हाँ इंफॉर्मेशन है। फाइव, 5,800 पेड फॉर प्लांट रिपेयर्स वॉज करेक्टली ट्रेडेड इन द कैश बुक एंड क्रेडिटेड टू प्लांट एंड इक्विपमेंट एसेट अकाउंट। अच्छा 5,800 पेड फॉर प्लांट रिपेयर्स, इसकी ओरिजिनल एंट्री बनेगी रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट ठीक है ओके। अब इसने रॉन्ग एंट्री क्या बनाई, हैड बीन करेक्टली एंटर ट्रीटेड इन द कैश बुक, यानी कि कैश को क्रेडिट करना था क्रेडिट किया और एंड क्रेडिटेड टू प्लांट एंड इक्विपमेंट एसेट अकाउंट, प्लांट एंड इक्विपमेंट को भी क्रेडिट कर,
इट मींस डेबिट डेबिट क्या रिकॉर्ड हुआ? कुछ नहीं, अफेक्टिंग हो गया। अब करेक्शन क्या होगी? पहले तो ये प्लांट एंड इक्विपमेंट को हमने क्रेडिट किया था, इसको डेबिट करके कैंसिल करते हैं, ठीक है। और ये रिपेयर एक्सपेंस को डेबिट करना था, इसे डेबिट करेंगे। और सस्पेंस अकाउंट डबल से क्रेडिट होता है 11,600। ये इसकी करेक्शन हो जाएगी, प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो आंसर क्या हुआ इसमें? 5 अफेक्टिंग है और वन वन अफेक्टिंग था और 5 अफेक्टिंग था ना, वन एंड एबीसी था, एक एक ही लिखा है, वन वन एंड 5। ऑप्शन हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वन एंड 5। गया अभी आंसर बाद ही नहीं किया हमने। अच्छा, इसमें 223 एरर वन, क्या गैस बिल ऑफ 420 हैड बीन रिकॉर्डेड इन द गैस अकाउंट एज 240, कि ओरिजिनल एंट्री क्या होगी? गैस एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट 420, ठीक है। अब रॉन्ग एंट्री क्या बनाई इन्होंने? हैड बीन रिकॉर्डेड इन गैस अकाउंट एज 240, यानी कि गैस एक्सपेंस डेबिट 240, कैश क्रेडिट 420। तो एरर कहाँ पे आ रहा है? गैस अकाउंट में ना, गैस एक्सपेंस को डेबिट करना था 240 से, डेबिट किया इसने 240 से, 420 से डेबिट करना था, 240 से डेबिट किया है, तो डिफरेंस लेकर इसको मजीद डेबिट करेंगे, तो डिफरेंस आएगा 180, 180 से डेबिट, और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 180। इसकी करेक्शन हो गई थी। एरर टू, कॉन्ट्रा 50 बिटवीन रिसीवेबल एंड पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। कॉन्ट्रा एंड की एंट्री होगी अकाउंट्स पेबल डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होता है, ओरिजिनल एंट्री। रॉन्ग एंट्री क्या बनाई? हैड बीन करेक्टली अकाउंटेड फॉर इन रिसीवेबल लेजर अकाउंट, इनका रिसीवेबल को क्रेडिट करना था, क्रेडिट किया इसने, और उसके बाद क्या है, कैन क्रेडिट इट टू पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट, पेबल को भी क्रेडिट कर दिया, अकाउंट पेबल भी क्रेडिट, ठीक है। डेबिट में कुछ भी नहीं, ठीक है। अब एरर क्या हुआ कि अकाउंट्स पेबल को डेबिट करना था, इसने क्रेडिट किया, साइड चेंज हो गई, तो अब अकाउंट्स पेबल को डबल से डेबिट करेंगे 100, और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 100 से। ये सी करेक्शन हो जाएगी, ठीक है। एरर थ्री, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑफ 70, इसकी ओरिजिनल एंट्री होगी इंटरेस्ट रिसीव्ड की, बैंक डेबिट और इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट रिसीव्ड ट्रेड हो जाएगा ना, 70 से डेबिट, 70 से क्रेडिट। रॉन्ग एंट्री क्या थी? हैड बीन एंटर्ड इन बैंक अकाउंट ओनली, यानी कि बैंक डेबिट 70, क्रेडिट कुछ नहीं किया। तो करेक्शन क्या होगी? अब इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट करना था, क्रेडिट करना भूल गया, तो क्रेडिट कर देते हैं, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट और सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 70 से ना। ये इसकी करेक्शन हो गई, ठीक है। ओके, अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या थी इसकी कि व्हाट एरर वर व्हेन द एरर्स वर करेक्ट, सस्पेंस अकाउंट बैलेंस वाज क्लियर्ड, व्हाट वाज द ओरिजिनल बैलेंस ऑन द सस्पेंस अकाउंट, राइट। तो रिक्वायरमेंट है कि व्हाट वाज द ओरिजिनल बैलेंस ऑन सस्पेंस अकाउंट, तो एक सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं और इसका ओरिजिनल बैलेंस फाइंड करते हैं। ओरिजिनल बैलेंस मीन्स बिफोर करेक्शन,
अच्छा बैलेंस इसका डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है, दोनों साइड पे लिख देते हैं। अच्छा सस्पेंस का अकाउंट बनाएंगे, ओरिजिनल बैलेंस डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है, दोनों साइड पे लिख लेते हैं। अब एंट्रीज पोस्ट करेंगे, पहले कि हमने करेक्शन की, गैस एक्सपेंस डेबिट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं 180 से, सेकेंड में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 100 से, वो क्रेडिट करेंगे 100 से, और एरर 3 में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है 70 से, को डेबिट कर देते हैं 70 से। ठीक, टोटल करते हैं। अभी ये क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 280, यही डेबिट पे लिखते हैं 280, और इसमें से 70 माइनस करेंगे तो इसका ये ओरिजिनल बैलेंस आ जाएगा 210, ओरिजिनल बैलेंस। ठीक, तो आंसर हो गया 210 डेबिट, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 210 डेबिट बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस, आर ट्रायल बैलेंस हैज बीन एक्सट्रैक्टेड एंड सस्पेंस अकाउंट ओपन। अच्छा, वन एरर रिलेटेड टू द मिस पोस्टिंग ऑफ एन अमाउंट ऑफ 200 बींग डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिट सप्लायर टू द रॉन्ग साइड ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अच्छा क्या लिखे, वन एरर रिलेटिंग टू मिस पोस्टिंग ऑफ एन अमाउंट ऑफ 200 बींग डिस्काउंट रिसीव। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव डेबिट होता है क्रेडिट होता है, क्रेडिट होता है ना, फ्रॉम सप्लायर टू द रॉन्ग साइड ऑफ डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, यानी कि इसको हमने क्रेडिट करना था डेबिट कर दिया ना। ठीक, तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता है, रॉन्ग साइड मींस डेबिट किया, तो करेक्शन क्या होगी, डिस्काउंट की पहले क्या हो जाएगी, डिस्काउंट को क्रेडिट करना था रॉन्ग साइड यानी कि डेबिट किया, तो डिस्काउंट डबल से क्रेडिट हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट और सस्पेंस अकाउंट डेबिट, तो करेक्ट आंसर होगा डी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो जाए। ठीक है, ये इसकी करेक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 225, 225, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट कॉज एन एंट्री टू बी मेड इन सस्पेंस अकाउंट। लेकिन नॉट कॉज एन एंट्री टू बी मेड इन सस्पेंस अकाउंट, एरर नॉट अफेक्टिंग बताना है। ठीक है, अच्छा एरर ए, ड्रॉइंग्स शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, ड्रॉइंग्स डेबिट होती हैं, तो क्रेडिट पे शो रिकॉर्ड किया है तो ये अफेक्टिंग हुआ। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव्ड शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होता है, क्रेडिट साइड पर ही रिकॉर्ड किया है, कोई एरर नहीं हुआ, ये एरर ही नहीं है। सी, ओमिशन ऑफ इररिकवरेबल डेट रिटन ऑफ फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से ऑमिट हुए तो ये अफेक्टिंग होगा। ठीक है, जो वो एरर ऑफ ऑमिशन होता है, जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना भूल जाए वो नॉट अफेक्टिंग होता है ना। अब ये क्या था कि इररिकवरेबल डेट्स ट्रायल बैलेंस से ऑमिट हुए तो ये एरर अफेक्टिंग। डी, एंट्री ऑफ कैश इन हैंड 1680 ऑन द ट्रायल बैलेंस एज 1860, कैश इन हैंड था 1680, ट्रायल बैलेंस में आपने रिकॉर्ड किया उसको 1860 से, अफेक्टिंग हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगी। ठीक, टू ट्वेंटी सिक्स, देखिए क्वेश्चन 22-26, ऑन एक्सट्रैक्टिंग अ ट्रायल बैलेंस सस्पेंस अकाउंट इज ओपन विद अ क्रेडिट बैलेंस ऑन इट। अच्छा, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस कब आता है, जब ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड ज्यादा हो या क्रेडिट साइड कम हो, तो
तब आपको वो एरर बताने हैं जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड ज्यादा हो जाए या क्रेडिट साइड कम हो जाए। अच्छा, एरर ए, इनकम टैक्स एंड सोशल सिक्योरिटी डिडक्शंस फॉर द करंट मंथ हैव बीन एंटर्ड ट्वाइस इन डिडक्शन कंट्रोल अकाउंट। अच्छा, सैलरी से इनकम टैक्स और सोशल सिक्योरिटी डिडक्शन है ना। अच्छा, डिडक्शन कौन करता है? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर के लिए बन जाती है लाइबिलिटी कि जो अमाउंट एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट किया वो गवर्नमेंट को पे करना है। तो उसने क्या किया कि हैव बीन एंटर्ड ट्वाइस इन डिडक्शन कंट्रोल अकाउंट, यानी कि दो बार उसने क्रेडिट कर दिया, तो इससे आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाएगी, डेबिट साइड कम। तो ए आंसर नहीं होगा। बी है अकाउंट रिसीवेबल लेजर, अकाउंट पेबल लेजर कॉन्ट्रा हैज बीन एंटर्ड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ बोथ कंट्रोल अकाउंट्स, यानी कि रिसीवेबल दोनों को क्रेडिट कर दिया, तो इससे क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाएगी, डेबिट साइड कम। तो सस्पेंस ओपन होगा डेबिट पर, तो ये भी आंसर नहीं। अच्छा, सी लिखता था ओपनिंग एक्रूवल्स फॉर टेलीफोन चार्जेस। अच्छा, एक्रूवल मींस होते हैं अनपेड एक्सपेंस, अनपेड एक्सपेंस के लिए टर्म यूज होती है एक्रूवल्स। तो इसकी नेचर क्या हो जाएगी? लायबिलिटी, लायबिलिटी हो गई, पेबल हो गई, पेबल लायबिलिटी ना, ठीक है। तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस किस साइड पे आता है? क्रेडिट साइड पर, ठीक है। तो ये लिखता है द ओपनिंग एक्रूअल फॉर टेलीफोन चार्जेस हैज बीन ब्रॉट फॉरवर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ लेजर अकाउंट, यानी कि इसका डेबिट पे आ गया, क्रेडिट के बजाय डेबिट हो गया, तो इससे आपकी डेबिट साइड ज्यादा हो जाएगी, क्रेडिट साइड कम। तो सस्पेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा क्रेडिट साइड। तो करेक्ट आंसर सी। अच्छा, बी, द फिगर्स ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री हैज बीन एंटर्ड ऑन बोथ साइड ऑफ कंट्रोल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस दोनों साइड पे लिख दिया, डेबिट में भी क्रेडिट में भी। अच्छा, पहले तो ये बताएं ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग इन्वेंट्री आती है ओपनिंग आती है? ओपनिंग आती है, याद होगा हमने शुरू में इनकम स्टेटमेंट बनाया था ना, 7.1, 7.2, 9.34, याद है? तो ट्रायल बैलेंस से ओपनिंग इन्वेंट्री आती है डेबिट साइड पर। अच्छा, इसने क्या किया, क्लोजिंग इन्वेंट्री को दोनों साइड पे लिख दिया डेबिट क्रेडिट, तो इससे ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आए, ठीक। तो करेक्ट आंसर सी। तो एरर वन, ओपनिंग इन्वेंट्री 1475 हैज बीन लिस्टेड इन ट्रायल बैलेंस एज क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1745। तो इसमें दो एरर आ रहे हैं, एक साइड चेंज हो रही है और सेकंड अमाउंट भी चेंज हो रहा है। तो इसमें पहले हम इसको डेबिट करेंगे 1745 से और फिर डेबिट करेंगे 1475 से, और इन यानी कि इन दोनों का टोटल कर लेंगे। टोटल कितना बन रहा है दोनों का? 3000। तो एंट्री होगी ओपनिंग इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री डेबिट 3220 और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 3220, ठीक। ये एरर वन 227, ठीक है। एरर टू, अब इसमें एक पॉइंट आप लोग नोट कर लें कि अगर सिर्फ साइड चेंज होगी तो डबल अमाउंट से करेक्शन होती है, सिर्फ अमाउंट चेंज होगा तो डिफरेंस से करेक्शन होगी, और अगर अमाउंट और साइड दोनों चेंज हो जाए तो करेक्शन टोटल से होगी। तो ये इनका टोटल बना था 1745 + 1745 = 3220। एरर टू, सेल्स ऑफ नवंबर फॉर नवंबर 5390 इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स हैड बीन करेक्टली एंटर्ड इन द कंट्रोल अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट, बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन द सेल्स टैक्स अकाउंट, सेल्स टैक्स रिकॉर्ड नहीं हुआ। द अमाउंट एंटर्ड इन द सेल्स रेवेन्यू अकाउंट वाज 4600। उसकी ओरिजिनल एंट्री बनाते हैं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट और सेल्स टैक्स क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा 5390 से, सेल्स क्रेडिट हो रही है 4600 और डिफरेंस 790 से सेल्स टैक्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो रॉन्ग एंट्री बनाई, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट और सेल्स टैक्स को क्रेडिट करना भूल गया, ठीक है। करेक्शन कर दें,
तो करेक्शन क्या होगी, सेल्स टैक्स को रिकॉर्ड करना हम भूल गए, तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, सेल्स टैक्स क्रेडिट हो जाएगा और सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 7 9। ठीक है, ये इसकी करेक्शन हो गई। एरर 3, ओपनिंग अक्रूअल्स फॉर टेलीफोन चार्जेस ऑफ 190 हैड बीन ब्रॉट फॉरवर्ड ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट। तो ओपनिंग अक्रूअल्स मीन्स लाइबिलिटी पेबल्स, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होना चाहिए, इसने रॉन्ग साइड यानी कि डेबिट साइड पे लिख दिया। तो करेक्शन क्या हो गया, इसको डबल से क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट डबल से आपके अक्रूअल्स क्रेडिट हो जाएंगे और सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो 190 का डबल 380, ठीक है, ये इसकी करेक्शन हो गई। ओके, अच्छा फिर मैं फाइन क्या करना था इसमें, सस्पेंस अकाउंट का ओरिजिनल बैलेंस। तो व्यक्ति अकाउंट बनाते हैं और इसका बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, बैलेंस डेबिट हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है ना। अभी करेक्शन हमने किए, इनको पोस्ट करते हैं। एरर 1 की करेक्शन, ओपनिंग इन्वेंटरी डेबिट सस्पेंस क्रेडिट 3220, सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा 3220 से। अच्छा, एरर 2 में करेक्शन किया, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है 790 से, सस्पेंस डेबिट 790, और एरर 3 में सस्पेंस डेबिट हो रहा है 380 से, 380। बैलेंस करते हैं, थ्री डबल टू जीरो। अब इसमें से ये डेबिट साइड माइनस करें, 2050 ओरिजिनल बैलेंस, इसका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 2050। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2050 डेबिट बैलेंस। ठीक, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।